उधर भी जो है हमारे लिए कुछ नहीं है, इधर भी कुछ नहीं, तो फिर हम कहाँ जाएं? तो फिर हम कहाँ जाएंगे? हमें उम्मीद यही ले आए थे, मैं हमने बोला बच्चे हैं जो है वो इधर दाखिला होएंगे, तालीम पढ़ेंगे, कुछ ना कुछ उनकी ज़िंदगी बन जाएगी, उनकी लाइफ बन जाएगी, उनकी लाइफ बन जाएगी। सर ने हमें बोला था कि आपका 9th आप पास है, आपको 10th में हम नहीं बिठा सकते क्योंकि गवर्नमेंट का ये होता है 9th और 10th साथ में पढ़नी पड़ती है, तो आपको इसलिए 9th पढ़ना पड़ेगा। अगर आप 11th का सर्टिफिकेट होता तो हम आपको बिठा दें। जी मैम, उस टाइम तो उन्होंने एज की कोई बात की नहीं थी, और एज की बात वहाँ पाकिस्तान में वैसे नहीं होती। वहाँ पर मेरे फ्रेंड थे, किसी की 18 साल उम्र थी, किसी की 19 साल उम्र थी, वो मेरे साथ ही पढ़ते थे, तो ऐसी कोई बात मेरे सामने आई भी नहीं और ना मैंने कोई पूछी। स्कूल गए, उन्होंने कहा कि हम ऐसे नहीं बैठा सकते, आपको यूनिफॉर्म खरीदना पड़ेगा, बुक्स। उसके बाद यूनिफॉर्म उन्होंने खरीद ली, ऐसा तो कुछ नहीं बोला कि ये जो हो रहा आपकी वहाँ की पढ़ाई और यहाँ की पढ़ाई में आपको कुछ फर्क समझ में आया? यस, वो बहुत डिफरेंस है। यहाँ पे हिंदी है, वहाँ पे सिंधी है, ऐसे उर्दू है, यहाँ पे हिंदी है, यही डिफरेंट। हमने पढ़ाई की, फिर पेपर आने लगे, ऐसे कॉपी कंप्लीट की, पेपर आने वाले थे 12 तारीख को, फिर हमने सर ने कहा कि पेपर तुम लोग नहीं देखते, इसलिए फिर हम उसको छोड़ दिया। ये चीज़ केवल आपको बोली गई या फिर कहीं लिख कर भी आपको दिया? नहीं, हमें बोली गई। दिक्कत नहीं है, ऐसे हिंदी संजम आती है, पढ़ना आती है, जो लिखना है वो थोड़ा डिफिकल्ट लगता है, इसलिए प्रॉब्लम होती है। हिंदी दूसरे सब्जेक्ट सही है, जो मैं पाकिस्तान में थे यहाँ पर भी है वो ठीक है, पर जो हिंदी है वो थोड़ी डिफिकल्ट लगती है। इन सेप्टेम्बर 2016 द दिल्ली गवर्नमेंट हैड पास दिस सर्कुलर वेयर एज वाइज क्राइटेरिया फॉर एडमिशन टू गवर्नमेंट स्कूल वॉज स्पेसिफाइड। While the upper age limit for class 9th was fixed at 15 years, for class 10th, the upper age limit was fixed at 16 years. Both Ravi and his two sisters do not fulfill the age criteria as per this circular. The question is whether the court will now uphold the right to education for these siblings, because as of today, they are not Indian citizens. सारे इन्होंने डॉक्यूमेंट भी जो इसके सर्टिफिकेट दे स्कूल के वो भी सारे कुछ देखे थे इन्होंने, उस टाइम में उम्र की बात नहीं की। अभी फिर बोलने लगे जो अभी इसकी जो है डेट ख़त्म हो गई है, अभी इसको जो है 2500 पता नहीं 3000 बोल रहा है कि बच्चा देगा, तो फिर इसकी फिर उधर उधर करके एडमिशन जो है इसकी कर पाएंगे। ना हम भी यही कहते हैं तो यही बच्चे पढ़ें, पढ़ लिख के बड़े ऑफिसर बने, को ऐसी नौकरी मिले, मन जाल तो न बने, इनको पढ़ें तो सही, पढ़ाई बच्चों को ज़रूरी है ना, वो कह दे हम पढ़ेंगे, वो लड़की कह रही है, लड़के कह रहे हम पढ़ेंगे, हम हमको पढ़ाई अच्छी लगती है। बस वो मैम, वो तो अभी हमारे को बताने की ज़रूरत नहीं है, वो तो अभी सारे हिंदू आ रहे हैं, उधर हिंदू के लिए बड़ी दिक्कत है, तो दुनिया में पूरे एरिया में, पूरे इलाके में
सबका पता है उसको माहौल कैसा है। आने के लिए तो हर कोई आना चाहता है, लेकिन इतने गरीब हैं जो उसको पासपोर्ट के बनाने के भी उसके पैसे नहीं हैं। क्या बनना चाहते हो? आईएएस ऑफिसर। जी मैम, हम तो स्पोर्ट में जाना चाहते हैं। ये हमारे फेवरेट क्रिकेटर हैं विराट कोहली। इंडिया में जो इतनी सारे उन्होंने सक्सेसफुल लिए, इतनी उनकी अच्छी बैटिंग है, और उससे तो हमें सीखने के ये मिलता है, वो काफ़ी ट्रायल उन्होंने दिए थे, वो फेल हो चुके थे, फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, तो उनको देख के हमें थोड़ा जज्बा आ गया। मैम जैसे यहाँ पे ओपन माहौल है वहाँ पे वैसा नहीं है, वहाँ पे लड़कियाँ नहीं पढ़ती थी। यहाँ पे कुछ बड़ा करना चाहते हैं, क्योंकि वहाँ पे हमने सबको छोड़ दिया अपनी फैमिली, तो यहाँ पे कुछ बनना चाहते हैं हम। हमारे परदादों दादों की देश के लिए कुर्बानी है, दिल दुखता है हमारा, जो हमारे बच्चे भी जो इधर नहीं पढ़ पाते हैं, तो हम क्या करेंगे? उधर भी जो है हमारे लिए कुछ नहीं है, इधर भी कुछ नहीं है, तो फिर हम कहाँ जाएंगे?